फिरोजाबाद के थाना सेसागंज क्षेत्र के गांव गड़ी पेंगू में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पहुंचा श्यामधर का शव। वही हत्या के 5 दिन बाद हुआ श्यामधर का अंतिम संस्कार। हत्या का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर परिजनों के साथ धरने पर बैठे थे सपा विधायक। पुलिस ने जिला अस्पताल से किया था विधायक और उनके पुत्र को गिरफ्तार, जिसके चलते परिजनों को शव लेने से इनकार कर दिया। कल शाम को हुआ अंतिम संस्कार में सपा विधायक हरिओम यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप, पूर्व विधायक सपा अंजीम भाई सीडीओ ने नेहा जैन, एडीएम अतुल श्रीवास्तव, एसपी ग्रामीण महेंद्र सिंह, एसडीएम सीसागंज सैकड़ों समर्थकों के साथ कई थानों का पुलिस फोर्स रहा मौजूद। सीसागंज से आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। अब इसमें हम क्या कहें, नेता वो जाने नेता जाने, हमारा तो काम हमारे क्षेत्र का व्यक्ति, हमारी क्षेत्र के व्यक्ति की हत्या हुई है। हमारा धर्म है कि हम अपने क्षेत्र के पीड़ित लोगों की मदद करें, तो हम खड़े हैं। नेता का नेता जाने क्या, हमारे समाज का मामला है, समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न होगा। तो क्या क्या मांग आपकी मानी? जो मृतक के भाई ने दी है वो FIR लिख ली जाए। दूसरे मृतक परिवार को, उसकी पत्नी को, गरीब परिवार है, 15 बीघा जमीन का जो आश्वासन दिया तो प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। हम 15 बीघा जमीन मृतक की पत्नी के नाम करेंगे और 5 लाख रुपया देंगे मृतक की पत्नी को। दूसरा, उसे एक आवास देंगे, विधवा पेंशन देंगे। ये मांगे थी तो प्रशासन ने मांग लिया और परिवार वालों के जो गवाह मुद्दई उन्हें लाइसेंस देंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसे आप समझौता नहीं कहिए, एक ये है कि जो लोगों की तरफ से, जो शासन की तरफ से जो दे सहायता जो संभव थी, उनकी हालत को देखते हुए वो सहायता हम लोगों की तरफ से प्रदान की गई है। सरकार के शासन की मंशा के अनुरूप जो भी है, कैसल दुर्घटना योजना में 5 लाख रुपए की जो धनराशि दी जाती है उसकी वो दिया जाएगा। जो कृषि आवंटन का पत्ता दिया जाएगा, इसके अलावा उसकी जुडिशियल इंक्वायरी के भी आदेश हुए और इसमें इसे किसी तरह का समझौता कहना उचित नहीं होगा। एक उनके मानवीय दृष्टिकोण से और नियमानुसार जो भी कमिटमेंट कहा जाए, हाँ कमी, मतलब ये है कि जो चीज़ें देता जो बता, कोई समझौते की बात नहीं थी। बात ये थी कि हम लोगों ने पहले दिन PM के बाद डेड बॉडी देने का प्रयास किया था, तो इस समय चूँकि वो लोग सब गुस्से में थे और निस्संदेह ये बहुत ही घृणित हत्या थी, तो उन लोगों ने ये डेड बॉडी ली नहीं थी, तो वापस हम लोगों ने मॉर्चरी में रख दी थी। आज उन लोगों ने ये मॉर्चरी से प्राप्त करके और इसका दाह संस्कार कर दिया है। इसमें जो अभियुक्त पंजीकृत है उसमें हमने 50% अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई बिना इससे, क्योंकि हमारा जो लीगली जो भी